हमारे YouTube चैनल सबके सब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा मकसद है कि वैसे तमाम लोगों की हेल्प की जाए जो ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं। ये हमारी सोच है कि एजुकेशन सभी क्षेत्रों को, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र हो या किसी भी अन्य प्रकार का हो, जैसे आज के डेट में लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हों या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हों और उन्हें घर में बैठे हेल्प की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल की ज़रूरत होती है, वैसे तमाम ट्यूटोरियल्स के लिए हमने सबके सब चैनल का निर्माण किया है। और हमारी आगे हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आप सभी का मदद किया जाए। हमारा जो ये सबके सब चैनल आप देख रहे हैं, इसमें आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा फ़ोटोशॉप से, अडोबी फ़ोटोशॉप। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, अडोबी फ़ोटोशॉप में होता क्या क्या है, इसे मैं बंद करता हूँ। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये अडोबी फ़ोटोशॉप जो है, इसमें हम डिजिटल वर्क करते हैं, जैसे फ़ोटो एडिटिंग, हमने फ़ोटो कहीं से भी खींचा हो, मोबाइल से, कैमरा से, या फिर वेबसाइट्स का काम करना हो, या कि कहीं इमेज पड़ा हुआ है, ऑनलाइन इमेज हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, उन सारे इमेजेस को अगर मैं कट करना चाहूँ या फिर मैं उसमें किसी तरह का एडिटिंग करना चाहूँ, तो मैं फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करता हूँ। मैं नहीं बल्कि सारे लोग इस्तेमाल करते हैं फ़ोटोशॉप का। दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम काम करेंगे कैसे, इसके लिए फ़ोटोशॉप में हम एक न्यू पेज ओपन करते हैं। न्यू पेज ओपन करने के लिए ये मेनू बार इसे कहते हैं, मेनू बार के फाइल में मैं जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, न्यू क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। इस ऑप्शन में सबसे ऊपर है नेम, तो हम अपने इस फाइल का एक नेम रखेंगे। जैसे मैं कुछ जो काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं फ़ोटो एडिटिंग करने जा रहा हूँ या फिर मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ या फिर मैं बैनर, लोगोस वगैरह कोई भी काम करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका नाम, जैसे यूनाइट अनटाइटल वन है, तो इसको मैं सबसे पहले आज लिखता हूँ माई फर्स्ट क्लास। तो ये माई फर्स्ट क्लास, ये मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में एक प्रीसेट कि मैं क्या, किस तरह का पेज रखना चाहूँगा। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट होते हैं कि आप यूएस पेपर रखना चाहो, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ रखना चाहो या कुछ भी। तो मैं फ़िलहाल कस्टम रखता हूँ। कस्टम में फ़ायदा ये होगा कि मैं अपने हिसाब से इसमें साइज़ रख सकता हूँ कि मुझे क्या साइज़ चाहिए। तो आपको जो साइज़ पर काम करना होगा आप उस तरह का साइज़ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे है विड्थ है, हाइट है, यानी कि आप अपने जो वर्क एरिया है, जो आप इस पे फोटोशॉप पे आप रखना चाहते हैं, जिस पे आप काम करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम सेट करेंगे। तो जैसे 700 विड्थ है, 700 हाइट है, तो यहाँ पे पिक्सल, इसके सामने पिक्सल्स दिखा रहा है, यानी कि ये 700 पिक्सल्स का विड्थ होगा और 700 पिक्सल्स का हाइट होगा। अगर मैं इसे चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, पिक्सल्स को मैं इंच में, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सल्स और कॉलम्स में किसी तरह से मैं इंच में भी कर लूँ, पिक्सल्स में अगर इंच में कर हमने किया तो ये चेंज हो गया इंच में, इसी तरह से मैं अभी फ़िलहाल पिक्सल्स में रखता हूँ। तो 700x700 पिक्सल आप अपने काम के अनुसार आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम क्या करना है। और इसके बाद है रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन 72 है यहाँ पे। अगर मैं वेबसाइट के लिए यानी वेब के लिए कोई भी काम कर रहा हूँ रजिस्टर के, तो वहाँ पे मैं 72 रेजोल्यूशन रखूँगा। लेकिन अगर आपको प्रिंट के लिए काम करना है, यानी जो आपने काम किया है इसे प्रिंट कराना है, तो फिर आप इसका रेजोल्यूशन 300 रखेंगे, ओके। इसके बाद इसमें हमारा कलर मोड आ जाता है, RGB, और भी कलर्स हैं इसमें, CMYK, बिट मैप और लैब कलर, ये सब सारे कलर्स हैं। बट अभी मैं RGB, ये कलर के बारे में मैं नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा उसमें मैं सारा डिटेल बताऊंगा कलर्स।
क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कलर से बहुत बड़ा मायने रखता है इसमें। तो हम आरजीबी कलर अभी फ़िलहाल रखते हैं, बैकग्राउंड हमारा वाइट रखें या किसी तरह का बैकग्राउंड आप अपने वर्क के अनुसार रख सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज भी किया जा सकता है। तो इस तरह का सबसे पहले मैं पेज सेटअप करने के लिए ओके प्रेस कर दिया। अब ये मेरा एक अच्छा सा पेज आ गया, इस एरिया में मैं काम करूँगा, ठीक है। तो इस एरिया में काम करने के लिए ये मेरा पेज सेटअप हो गया है। तो आज के सेशन में मैं पेज ओपन करने के लिए बता दिया, अब नेक्स्ट वाले सेशन में मैं इसके आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और हिंट्स करना चाहूँगा कि ये जो ऊपर के दिख रहे हैं फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, ये इन सब को हम कहते हैं मेनू बार। और इसके जस्ट ये जो नीचे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं फोटोशॉप के टूल्स बार से। ये टूल हमारे जो जिस तरह से हम काम करते हैं तो ये टूल बार में हम काम करते हैं। इसका सब सब टूल्स का अलग अलग वैल्यू होता है, अपना अपना यूज़ होता है। अब जैसे इसके जस्ट मैंने मूव टूल पे क्लिक किया हुआ तो यहाँ पे मुझे ये जो दिख रहा है ये इसका सबका अलग अलग है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अलग दिख रहा है, ये इस पर क्लिक किया तो इसका अलग दिख रहा है। ये ऑप्शंस हैं, यानी इसमें आपको काम क्या करना होता है। तो सारे टूल्स का अपना अपना ऑप्शन होता है कि मैं मुझे इसमें काम क्या करना है। तो फिलहाल मूव टूल पे मैं रखूँगा। अब इसे ये जो हमारा पेज है इसका बैकग्राउंड मैं चेंज करना चाहूँ या फिर कुछ इसमें एडिट करना चाहूँ, कुछ लिखना चाहूँ, तो फिलहाल मैं एक सर्कल बनाता हूँ। मैंने यहाँ से ये लिया और ये मैंने क्लिक किया शिफ्ट दबा के और एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये मुझे देखना है कि ये जो मेरा कलर यहाँ पे दिख रहा है तो इस कलर को मैं डबल क्लिक करके चेंज कर लूँगा। ओके, मैंने चेंज कर लिया, ग्रीन कलर कर दिया। ऊपर में ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो यहाँ पे दो कलर है, मैं अगर ऑल्ट और बैक स्पेस एक बार क्लिक करूँ तो ये मेरा कलर आ करके इसमें फिल हो जाएगा। ये मेरा फिल हो जाने के बाद मैं अब इसका ये जो बाहर का एक एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल डी करना होगा। कंट्रोल डी से ये बाहर का एरिया हट जाएगा। अब मैंने ये सर्कल बना लिया, अब इसे मुझे सेव करना है। तो जब तक कोई भी फाइल जब मैं बनाऊँगा, आप बनाएंगे तो इसे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव और एक ऑप्शन है सेव एज। तो हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे कहीं पे आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे माय फर्स्ट क्लास है इसमें मैं सेव कर दे रहा हूँ। अभी ये हमारा फाइल सेव हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल बनाकर सेव कर सकते हैं। अब अगले एपिसोड में हम लोग आएंगे एक एक ऑप्शन को, एक एक टूल्स बार को, ये जितने भी टूल्स बार हैं सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल्स पे अगर आप इस एक 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 एपिसोड को आराम से देखेंगे तो घर बैठे फोटोशॉप के मास्टर बनेंगे। फोटोशॉप में कहीं कोई भी परेशानी होगी आप हमें ईमेल करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पे बैठ करके। तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कोई भी नया एपिसोड आए तो आपको मालूम हो जाए कि ये नया एपिसोड आया है। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।